बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2। और जी, हमने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख लिया लेंस की टाइप्स, देख ली कन्वेक्स, देख लिया कनकेव, देख लिया, और हमने फर्दर डिवीजंस देख ली लेंस की, के फिक्स लेंस क्या होती है, वेरी फोकल क्या होती है, जूम लेंस वगैरह क्या होती है, ठीक है। उसके साथ हमने आई आर करेक्टेड लेंस वगैरह भी हमने सब देख ली, तो जो स्पेशल टाइप की लेंसेज कहलाती हैं, ठीक है। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर, लाइक पार्ट 2 के अंदर, हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्टिक्स देखेंगे, एफ एन टी नंबर्स देखेंगे, फिल्टर्स, आयरसेस वगैरह देखेंगे, जो कि लेंस टर्मिनोलॉजीज कहलाती हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स मैंने क्यों लिखा है, आज हम लोग थोड़ा सा ना अपने मैट्रिक के ज़माने को याद करेंगे, लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन वगैरह क्या होती थी, ये सारे सीसीटीवी के अंदर इतना कोई मेनली यूज़ नहीं होती, लेकिन आप सबको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब कभी भी लाइट आपकी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो फिर वो बेंड हो जाती है, इस बेंडिंग प्रोसेस का नाम रिफ्रैक्शन है, ठीक है। लाइक हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक रेयर मीडियम कहलाता है और एक डेंसर मीडियम कहलाता है। रेयर मीडियम आपका क्या होता है, लाइक आपका एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ये आपका रेयर मीडियम कहलाता है। डेंसर मीडियम आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम कहलाता है, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो ना सिर्फ रिफ्रैक्शन होती है, ना सिर्फ रिफ्रैक्शन होती है, लाइक ना सिर्फ लाइट की बेंडिंग होती है, बल्कि स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है। वो जो स्पीड रिड्यूस होती है ना, वो एक ख़ास फैक्टर से होती है, उस फैक्टर को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट जो है ना 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये आपकी रेयर मीडियम में, यानी एयर में या वैक्यूम में भी ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, ठीक है। जब ये डेंसर मीडियम में जाती है लाइक, तो उसकी स्पीड जो है ना रिड्यूस होकर 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें जो है ना रिफ्रैक्शन, बस मतलब इट्स इनफ ना, कि हम लोगों ने सिर्फ एक जस्ट आइडिया लेना है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होती है। रिफ्रैक्शन की मेरे पास इमेजेस भी हैं, देखें अब आपको आइडिया होगा कि क्या होता है। देखें रेयर मीडियम के अंदर, रेयर मीडियम के अंदर ये देख रहे हैं आप पेंसिल की शेप किस तरह की है, और ये जब डेंसर में आई तो फिर किस तरह की हो गई। दिस ये जो बीच वाला हिस्सा ना, जो पानी के अंदर जो इन अभी नज़र आ रहा है आपको, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह से एक और भी है, हमारे पास एक ये है प्लेन है, इसमें नॉर्मली प्लेन का जिक्र करते हैं। ये जो आप परपेंडिकुलर प्लेन देख रहे हैं ना, इस परपेंडिकुलर प्लेन की कहानी ये है कि जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपकी बीम ऑफ लाइट जाती है ना, तो फिर वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। ये जो सेंटर की लाइन नज़र आ रही है ना, अभी जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये वाली, ये नॉर्मल प्लेन कहलाती है, ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है। और जब ये वापस डेंसर से रेयर में जाती है, तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। बस इतना, मतलब इट्स इनफ आपको सीसीटीवी के लिए इतना बहुत ज़्यादा, मैं क्योंकि सीसीटीवी में तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मगर कुछ जगहों पे कुछ सिनेरियो के अंदर डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। डिफ्रैक्शन क्या होती है, जब आपकी लाइट किसी भी एजेस से पास होती है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके दो एजेस हैं, ठीक है ना, उसके आप कॉर्नर्स कह लें, आप उसके एजेस कह लें। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी एजेस किस तरह के होते हैं। एजेस इस तरह के होते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं लाइक, मैं ज़रा ये पेन पकड़ लूँ, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये एज है, ठीक है। ये जो एज है, जब कभी भी आपकी लाइट इन एजेस से पास होती है ना, तो वो बेंड भी हो जाती है और साथ में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इस स्प्रेडिंग और बेंडिंग का नाम डिफ्रैक्शन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये जैसा लाइट वेव देख रहे हैं, ये जब एजेस से पास हुई तो फिर ये बेंड भी हो गई और ये स्प्रेड भी हो गई, ये फैल भी गई, ठीक है। अगर एजेस स्मॉलर होंगे तो डिफ्रैक्शन लार्जर होगी। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसका कितना ये बन रहा है, ठीक है, डिफ्रैक्शन इसका ये बन रहा है। जबकि दूसरी डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये डिफ्रैक्शन इसका एरिया बढ़ गया, ठीक है, ये आ गया, और इसका इस वक्त जो डिफ्रैक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कितना फ़र्क आया। तो जैसे जैसे एजेस बढ़ेंगे, लार्जर एरिया होगा, डिफ्रैक्शन स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। स्मॉलर एरिया है, लार्जर डिफ्रैक्शन है, और लार्जर एरिया तो स्मॉलर डिफ्रैक्शन है, ठीक है जी। तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन, सबसे आसान टॉपिक,
और ये मेरे ख्याल है मैट्रिक में जो एक दफ़ा पढ़ता है उसको ना सिर्फ मैट्रिक इंटर बल्कि उसको मेरे ख्याल है तमाम ज़िंदगी भर ये तो याद ही रहता है, क्योंकि इसका वास्ता भी आपकी आम ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लाइक शीशे के सामने आप खड़े हो जाएं तो रिफ्लेक्शन है, आप इको जो साउंड होती है वो भी रिफ्लेक्शन है आपकी साउंड की, ठीक है, सेम ही साउंड आपको सुनाई देती है। रिफ्लेक्शन क्या है? हमारे पास दो तरह की लाइट होती है, लाइक एक इंसिडेंट लाइट होती है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, ठीक है। इंसिडेंट लाइट क्या है? लाइक आपकी जो सोर्स लाइट है वो आपकी इंसिडेंट लाइट कहलाती है। आपके पास कोई टॉर्च मौजूद है और आपने उसको ऑन किया तो उसके बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो आपकी इंसिडेंट लाइट कहलाएगी। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन से वो गई थी, जिस डायरेक्शन वो उमिट हुई थी, तो वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्शन कहलाती है। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसका वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो वो चीज़ मेरी रिफ्लेक्शन कहलाती है। इसका मेरे पास इमेज भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखें जी रिफ्लेक्शन, ये आप देख रहे हैं नीचे इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक और पिक्चर है, आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें ये एक माउंटेन है जी, ये इसका मिरर इमेज आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गई, ये जी आपकी आ गई एग्जाम्पल वन और ये आ गई जी आपकी एग्जाम्पल टू, ठीक है जी। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन समझ में आ गया। अब असल ये जो टॉपिक इस दफ़ा मैंने डाला है ना डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट, इसकी वजह है बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, आप लोगों के फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ से बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इन दो टर्म्स का, ठीक है। तो अक्सर बेशतर लोग ये बता देते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ द टाइम्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ़ द साइकिल्स पर सेकेंड होती है, और इस तरह की दिस एंड दैट को टेक्निकल डेफिनेशन बता देते हैं। मगर इस दफ़ा ये जो टॉपिक है ना ये मेरे ख्याल है इंशाल्लाह आप लोगों को फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट ये टॉपिक देगा, ठीक है। कैसे? देखें हमारे पास लाइट्स जो होती है ना, लाइट सिंपल लाइट वो दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल लाइट कहलाती है और एक हमारे पास नेचुरल लाइट कहलाती है। आर्टिफिशियल लाइट कौन सी होती है? आर्टिफिशियल लाइट वो लाइट होती है जो मैन मेड होती है, ठीक है। लाइक आपके बल्ब हो गया, आपकी ट्यूबलाइट हो गई, जो मैन मेड लाइट्स हैं, ठीक है। जो नेचुरल लाइट्स हैं वो स्टार लाइट हो गई, मून लाइट हो गई, सन लाइट हो गई, ये नेचुरल लाइट्स हैं, ठीक है। जो सन लाइट होती है ना हम उसको वाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। आपने रेनबो का नाम तो सुना होगा, बल्कि रेनबो देखा भी होगा। रेनबो के अंदर क्या होता है, सात कलर आपको जो है ना नज़र आ रहे होते हैं। वो सात कलर कैसे नज़र आते हैं? असल में उनकी उनकी जो वेवलेंथ होती है ना वो स्लाइटली चेंज होती है, एक कलर से दूसरे कलर की अगर हम बात करें ना तो स्लाइटली चेंज होती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। और वो कलर्स क्यों नज़र आ रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाए करते हैं, जिसकी वजह से आपकी आँख उन कलर्स को देख सकती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन ऑफ लाइट, जब कभी भी हमने रेनबो का इफेक्ट देखना होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है। ये आपका रेनबो आ गया और ये आ गया आपका प्रिज्म, ठीक है। वाइट लाइट आप ये देख रहे हैं कि ये जो वाइट लाइट है, ये जो वाइट लाइट है ये जो है ना पास हुई प्रिज्म से और ये इन सात कलर में डिकम्पोज हो गई। अब देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप कितनी दूर तक भाग सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रेंथ मौजूद है आप किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की, दैट इज़ कॉल्ड द वेवलेंथ। अगर आपके सामने कोई एक ऐसा बंदा आ जाए जो बहुत ही स्लिम है तो वो ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, या जो कोई बिल्डर आदमी है वो ज़्यादा तेज़ भाग सकता है? ऑफ कोर्स जो स्लिम है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मगर उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। मगर आपने उसको कोई अगर आपकी उसकी कोई उससे लड़ाई शड़ाई हो जाती है तो आप तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि वो स्लिम है, उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है ही नहीं, वो भाग ज़्यादा तेज़ सकता है मगर वो लड़ नहीं सकता। जबकि अगर हम बिल्डर बंदे की बात करें जो जिसकी सेहत अच्छी है, जो हेल्दी बंदा है, वो भाग तो नहीं सकता, उसकी फ्रीक्वेंसी तो कम मगर उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये वाइट लाइट सात कलर में डिकम्पोज होती है ना, ये सात कलर आप कैसे याद रख सकते हैं? विब गॉयर के नाम से याद रखें आप। विब गॉयर क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, नहीं सॉरी विब गॉयर ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ब्राउन नहीं था, सॉरी ब्लू था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ऐसे ना बहुत मैंने भी मैट्रिक के ज़माने में पढ़ा था, बस आज देखा तो याद किया है, ठीक है। तो विब गॉयर आपने मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो आपने वॉयलेट रखना है, जो कि पहला कलर है, जो कि ये वाला कलर है, ठीक है। और आपने एक रेड याद रखना है जो कि ये वाला कलर है, ठीक है।
अब देखें जो वॉयलेट है ये इतना ज़्यादा बेंड क्यों हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम थी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, तभी ये इतना ज़्यादा बेंड हो गया, बेचारा कमज़ोर था ना। जबकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी तभी वो कम बेंड हुआ, समझ गया? तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है जी। ये भी नोट है, एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट या आपकी समझ में आ गया। वेवलेंथ जब चेंज होगी तो विजिबिलिटी भी चेंज होगी, जो वेवलेंथ चेंज हो रही है ना स्लाइटली, तभी ये स्लाइटली वेवलेंथ में डिफरेंस आया तभी आपको ये चीज़ें ना समझ लें नज़र आ रही हैं। लाइक आपको रेड, उसकी थोड़ी सी वेवलेंथ कम हुई, आपकी ये बढ़ गई, क्या कहते हैं, येलो नज़र आ गया, ग्रीन नज़र आ गया, इस तरह से मल्टीपल कलर्स नज़र आते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एफ एंड टी नंबर्स, ठीक है। यहाँ से अब आपका असल मेन टॉपिक आप ये समझने शुरू हो रहा है। ये तो अभी तक हम लोग ने कुछ मैट्रिक की चीज़ें कर ली, जो अब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। एफ एंड टी नंबर्स, सबसे पहले एफ नंबर की बात करते हैं। एफ नंबर क्या होता है? ये जो एफ है ना, कैपिटल एफ, ये फोकल नंबर कहलाता है। ये एफ स्टैंड फॉर फोकल है, या फोकस आप कुछ भी कह लें, वैसे नॉर्मली हम एफ नंबर ही कहते हैं, आप इसे फोकल कह लें, फोकल नंबर, ठीक है। जब आपके लेंस से अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है ना और वो सेंसर पे जाके कोई इमेज बनाती है, तो उस इमेज की जो ब्राइटनेस इंडिकेट होती है ना वो एफ नंबर से होती है, ठीक है। ये यूजुअली ये जो नंबर होता है ना एफ नंबर, ये आपकी लेंस के ऊपर इंग्रेव हुआ हुआ होता है, लिखा हुआ किस तरीके से होता है, कैपिटल एफ डैश 1.4, कैपिटल एफ डैश 2.8, इस तरीके से ये वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि हम एक रेशियो मेथड से भी लिख सकते हैं इसे। मैं कैपिटल एफ ना लिखूं, मैं सिंपल लिख दूं कैपिटल एफ की जगह पे 1 लिखूं और 1:1.4, 1:2.8, 1:4, 1:5.6, इस तरीके से, ठीक है। ये जो एफ नंबर होता है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक फोकल लेंथ के ऊपर करता है और एक इफेक्टिव डायमीटर के ऊपर करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये डायग्राम क्या है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको पता है, मैं वैसे भी एक बार रिपीट रिवाइज कर देता हूँ कि फोकल लेंथ हमने क्या पढ़ा था। फोकल लेंथ सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट से लेके आपके जो फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को कम करते हैं तो एंगल ऑफ व्यू बढ़ जाता है, और अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं तो फिर एंगल ऑफ व्यू कम हो जाता है, ठीक है। अब देखें, एक टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अभी, इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है? एक दो तरह के डायमीटर्स होते हैं, एक एक्चुअल डायमीटर कहलाता है और एक इफेक्टिव डायमीटर कहलाता है। एक्चुअल डायमीटर वो होता है, लाइक आप गए मार्केट गए और आपने 16 mm की एक लेंस खरीद ली, ये 16 mm आपका क्या है? ये डायमीटर है, या एक्चुअल डायमीटर है, ठीक है। यानी लेंस मैक्सिमम इतना ओपन हो सकता है। फिर मैंने, अब हम लोगों ने क्या काम किया, सपोज करें एक ये मैं एक ये सर्कल है, ठीक है, ये आप लेंस है, समझे। लेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा इसका एक्चुअल डायमीटर, ठीक है। ये ए थोड़ा सा बस ये समझ लें, ए लिखा मैंने, ये एक्चुअल डायमीटर है। ये जो डायमीटर देख रहे हैं ना इस दफ़ा आप, ये आपका है इफेक्टिव, ठीक है। क्यों है इफेक्टिव? इसके अंदर, लेंस के अंदर ना मैकेनिकल लीव असेंबली लगी हुई होती है। ये मैकेनिकल लीव असेंबली आपकी आयरिस कहलाती है, ठीक है। आयरिस क्या होता है? आयरस बेसिकली आपकी, ये समझ लें, आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है इन डिफरेंट लाइटनिंग लेवल्स। लाइक शाम के टाइम में आपको अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा चाहिए तो ये मैकेनिकल लीव्स ओपन हो जाएंगे। आपको दिन के टाइम में अमाउंट ऑफ लाइट कम चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद है, तो ये मैकेनिकल लीव्स इस तरीके से क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। ये जो ओपन और क्लोज होंगी और जिस पॉइंट पे आके ये रुकेंगी, वहाँ से वो जो डायमीटर होगा ना उस सर्कल का, जैसे ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का, ये चीज़ आपकी इफेक्टिव डायमीटर कहलाती है, ठीक है। आप समझ गए कितना इफेक्टिव आपके लेंस में से कितना एरिया इफेक्टिवली वर्क कर रहा है अमाउंट ऑफ लाइट को पास करवाने के लिए, दैट एरिया इज कॉल्ड इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। और ये इफेक्टिव डायमीटर कैसे कंट्रोल होता है? मैकेनिकल लीव्स से होता है। ये मैकेनिकल लीव्स आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो गेट बंद हुआ है ना, ये पूरी सारी मैकेनिकल लीव्स है आपकी, ठीक है। तो एक चीज़ ये वाजे हो गई कि एक्चुअल लेंस जो डायमीटर का होता है ना वो इफेक्टिव डायमीटर नहीं होता है। इफेक्टिव डायमीटर समथिंग डिफरेंट और एक्चुअल डायमीटर डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखें, जब जब आप एफ नंबर की वैल्यू को कम करेंगे ना तो आपके आयरिस की ओपनिंग बढ़ती चली जाएगी, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। एफ नंबर की वैल्यू को कम करते जाएंगे, लाइक 6 थी, फिर 4 कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 2 कर दी, फिर 1 कर दी, तो क्या होगा? आयरिस की ओपनिंग बढ़ती चली जाएगी। आयरिस की ओपनिंग की हमें कब ज़रूरत पड़ेगी? मिसाल के तौर पे मैं इसको एक मिसाल देता हूँ, आपको होपफुली समझ में आएगी बात।
जब आप सुबह सुबह उठते हैं, आप एकदम सूरज में चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी आइज को क्लोज कर लेते हैं। आप क्यों कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद है, या आप ये कह लें कि लाइट एक्सेस में मौजूद है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, अपनी आइज को क्लोज करते हैं ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जो है ना वो एडिक्वेट हो जाए। ठीक है, यही काम अगर मैं आप रात में निकलेंगे तो फिर क्या होगा, आप अपनी आइज़ को फुली ओपन रखेंगे और आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपको रिक्वायर्ड होगी। सेम यही काम लेंस का भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जनरल सी बात है, ये शायद पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता, लोगों से मैंने कभी पूछा भी नहीं, ना किसी ने पूछा, बल्कि मेरे सर ने मुझे बताया था, लेंस की शेप गोल क्यों होती है, ये आपको सर्कुलर ही क्यों नज़र आ रही है, ओवल क्यों नहीं है, रेक्टेंगल में क्यों नहीं है? इसकी रीज़न ये है, आपकी आइज़ की शेप क्या है, जिसे आप देखते हैं वो सर्कुलर, सीसीटीवी को लेंस को सीसीटीवी की आइज कहा जाता है। ठीक है, लेंस आर द आइज ऑफ द कैमरा। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से आपकी आँख, इसीलिए ये गोल है। ठीक है, खैर तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, तो आयरिस की ओपनिंग किस वक्त ज़्यादा होगी, जिस वक्त आप एफ नंबर की वैल्यू को कम कर देंगे। जब आपके आयरिस का साइज़ बड़ा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद नहीं है, तभी आपने अपनी आइज़ को फुली ओपन करते हैं। इस तरीके से लेंस को भी आप ज़्यादा ओपन उस वक्त करेंगे। ठीक है, जो लोएस्ट नंबर होता है ना आपके लेंस का, जो एफ नंबर सबसे कम होगा ना आपके लेंस का, वो यूजुअली लेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक लेंस है उसका एफ नंबर 1.4 से लेके सपोज करें 20 तक है, तो फिर 1.4 इनग्रेव हुआ होगा आपकी लेंस के ऊपर। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एफ नंबर को कोई बोले कि डिफाइन करके दिखाएं, तो आप ये कह सकते हो कि लाइट गैदरिंग एबिलिटी इज कॉल्ड एफ नंबर। सही है ना, लाइट को जमा करने की सलाहियत जो है ना वो आपकी एफ नंबर कहलाती है। ठीक है, हम उसको एक नंबर से इंडिकेट करते हैं, वो नंबर आपका जो है ना एफ नंबर कहलाता है। ठीक है, सपोज करें मेरे पास एक 16 mm का लेंस है। ठीक है, देखें अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी कि एफ नंबर हो गया, इफेक्टिव एक्चुअल डायमीटर समझ में आ गया, मैकेनिकल लीव्स असेंबली समझ में आ गई, रिलेशन विद दी अदर क्वांटिटीज़, ये अभी हमने क्या किया कि एफ नंबर को कम करेंगे आयरस का साइज़ बढ़ जाएगा, आयरस का साइज़ बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा इंटर होगी। ठीक है, फास्टर लेंस, इसको हम ना इस जिसकी एफ नंबर की वैल्यू सबसे कम होती है ना उसको हम फास्टर लेंस कहते हैं। उसको हम फास्टर लेंस क्यों कहते हैं, देखें जब एफ नंबर की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, आयरिस ज़्यादा ओपन होगा, अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगी। जब अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आती है ना तो हम एक्सपोजर टाइम को कम कर देते हैं। एक्सपोजर टाइम क्या होता है, एक्सपोजर टाइम ये वो टाइम होता है कि कितनी देर के लिए आपने अपनी अमाउंट ऑफ लाइट को जो है सेंसर के पास जाने की इजाज़त दे रहे हैं, मतलब कितनी देर के लिए आपकी अमाउंट ऑफ लाइट सेंसर के ऊपर जा सकती है, दैट टाइम इज कॉल्ड द एक्सपोजर टाइम। आपने कितनी देर के लिए अपने अमाउंट ऑफ लाइट को एक्सपोज किया है सेंसर के ऊपर, ठीक है, वो टाइम आपका एक्सपोजर टाइम होता है। अगर अमाउंट ऑफ लाइट पहले से बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोजर टाइम आप कम रखेंगे कि थोड़ा सा, मतलब एक्सपोजर टाइम आपका शॉर्टर होगा। क्यों शॉर्टर होगा, अगर आप ज़्यादा कर देंगे और अमाउंट ऑफ लाइट पहले से ज़्यादा और आपने एक्सपोजर टाइम भी ज़्यादा कर दिया तो इमेज ब्राइटर हो जाएगा। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद नहीं है, आयरिस की ओपनिंग कम है, ठीक है, तो इसका मतलब आयरिस की ओपनिंग किस वक्त कम होगी, लाइट दिन की रोशनी में होगी। क्यों, क्योंकि वो पहले से एक्सेस लाइट को कम करके भेज रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक्सपोजर टाइम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपोजर टाइम को जब आप ज़्यादा करेंगे तो फिर इतना भी ज़्यादा नहीं कर देना कि वो ब्राइटर हो जाए और इतना भी कम नहीं कर देना कि वो डार्कर हो जाए। ठीक है, इसकी सेटिंग्स होती हैं, वो जब आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट ही होती है। यूजुअली ये पहले ज़माने में तो 1:100 होती थी, 1:200 होने लगी, फिर अब तो 1:, ये एक्सपोजर टाइम की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो एक्सपोजर टाइम की जो वैल्यू आती है 1:800,000 सेकेंड आती है। सही है, खैर तो आप समझ गए इसको हम फास्टर लेंस क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आयरिस की ओपनिंग ज़्यादा हुई भी होती है, एफ नंबर की वैल्यू कम होती है, आयरिस की ओपनिंग ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ जाती है, एक्सपोजर टाइम कम होता है, तो ये कम वक्त में तस्वीर खींच लेता है। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा आपका कैमरा, आप अपने दोस्त से कहते हो कि यार कोई तस्वीर खींचो ये मोबाइल के कैमरे से, तो मोबाइल के कैमरे में आपने एक चीज़ देखी होगी, जब तस्वीर खींचते हैं तो वो बहुत देर में तस्वीर खींचते हैं, आपको थोड़ी देर मोबाइल अपना होल्ड करके रखना पड़ता है, उसका मतलब उसका एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा है।
जिसका एक्सपोजर टाइम कम होगा ना, आप बटन दबाएंगे और तस्वीर खिंच जाएगी। लाइक आपने अक्सर एंड्रॉयड के सेट्स में देखा होगा, आप बस बटन दबाते हो तो तस्वीर खिंच जाती है, ठीक है। अगर आपका फ्लैश ऑफ है तो फ्लैश ऑन में वो लाइट 3 दफ़ा ब्लिंक करती है फिर करती है, उसका मतलब एक्सपोजर टाइम बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ एफ नंबर, ये आयरिस मैकेनिकल लीव्स कहलाती हैं, ये सर्कल बना हुआ है ना इतना बड़ा सा, ये वाला, ठीक है। कैलकुलेशन देखें जी, एफ नंबर को इस दफ़ा, ये जो एफ नंबर की कैलकुलेशन है ना, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके, ठीक है। वैसे तो तीन है, मैं तीसरा ही बताऊंगा, मगर तीसरा समझ लें, ये तो तीसरा बड़ा ज़बरदस्त मेथड है, ठीक है, वो बड़ा आसान सा मेथड है वो, मगर खैर पहले फर्स्ट मेथड तो देखें। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, एक आपका लेंस का डायमीटर क्या है, दूसरा एफ नंबर की वैल्यू क्या है, और तीसरा एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला, क्योंकि आपको पता है लेंस सर्कुलर शेप की होती है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इस आर को डायमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा, डायमीटर डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। आर की जगह पर मैं डी अपॉन टू की वैल्यू रखूँगा, उसका स्क्वायर लूँगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था तो डी अपॉन टू रखा, तो डी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन फोर। तो मेरे पास टोटल वैल्यू क्या बन गई, टोटल फार्मूला क्या बना, ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। अब आपने पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर वाला फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब देखें, आप एक मार्केट गए और आपने जो है ना वहाँ से लेंस परचेज किया, वो लेंस का जो डायमीटर था वो 16 mm था सपोज करें, ठीक है। एफ नंबर की जो वैल्यू थी ना वो 1.4 थी, ये आपको कैसे पता चलेगी चीज़ें, ये जब आप कैमरे की स्पेसिफिकेशन उठाते हैं ना तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होती है कि उसका लेंस का डायमीटर क्या है, एफ नंबर क्या है, आयरिस कैसा है, सब चीज़ें जैसे अंदर, ठीक है, एवरी डिटेल उसके अंदर होती है। तो आप ये उधर ही से देख के करेंगे कैलकुलेशन। एफ नंबर की वैल्यू आपको पता चल गई 1.4। यहाँ पे मैं एक नया कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ एफ स्टॉप का। एफ स्टॉप क्या होता है, एफ स्टॉप बेसिकली रेशियो होता है आपका फोकल लेंथ के दरमियान और इफेक्टिव डायमीटर के दरमियान, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, 16 mm, आपका एक्चुअल डायमीटर, सही है, तो आपने इसे कन्फ्यूज नहीं होना, ये तो डायमीटर और सर ने उधर क्या मिला दिया, नहीं, एक्चुअल डायमीटर जो है ना वो आपका लेंस का डायमीटर कहलाता है, जो लेंस का साइज होता है ना, ये 16 mm वगैरह, ये आपका एक्चुअल डायमीटर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एफ स्टॉप क्या होता है, एफ स्टॉप मैंने आपको बताया, ये तो खैर रेशो होता है जिसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। हमारे पास ना डाटा स्पेसिफिकेशन के अंदर, लाइक कैमरे की स्पेसिफिकेशन के अंदर, दो एफ की वैल्यूज आती है, एक स्मॉल एफ एक कैपिटल एफ। स्मॉल एफ को हम फोकल लेंथ कहते हैं और उसका यूनिट होता है mm. तो जब कभी भी आप ये लाइक 16 mm, ये आपकी फोकल लेंथ है, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी कैमरे की स्पेसिफिकेशन देखते हैं और उसके अंदर स्मॉल एफ के साथ एक नंबर लिखा हुआ और उसके आगे mm लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे ये फोकल लेंथ है। जबकि कैपिटल एफ के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई और उसके साथ कोई यूनिट ना हो, क्यों, क्योंकि ये रेशो है, रेशो हमेशा दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना आपके एफ नंबर कहलाती है, ठीक है। अब एफ स्टॉप क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कराची लाहौर और इस्लामाबाद की, मैं बात करता हूँ, ठीक है, कराची पहला स्टॉप है, लाहौर दूसरा स्टॉप है और इस्लामाबाद तीसरा स्टॉप है, ठीक है। कराची से चढ़ेंगे जी 100 बंदे, लाहौर में हो जाएंगे वो 200 बंदे और इस्लामाबाद में हो जाएंगे वो 400 बंदे, मतलब आप ये रिलेशन देख रहे हैं ट्वाइस होते चले जाएंगे। अगर मैं इसी को वाइस वर्सा कर लूँ तो क्या होगा, इस्लामाबाद में 400 बंदे, लाहौर में 200 और कराची में 100 बंदे, ठीक है। जैसे जैसे मैं अपने स्टॉप की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, लाइक 1, 2, 3 आप नंबर दे दें, कराची 1 हो गया, लाहौर 2 हो गया, इस्लामाबाद 3 हो गया, तो जैसे जैसे मैं एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ पीपल कह लें आप, ये कुछ भी कह लें कि वो क्या हो रही है, डबल हो रही, डबलिंग हो रही है वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, मुझे ये चीज़ पता है कि ये जो स्टॉप है इसके अंदर ये नंबर है, कराची के अंदर 100 ही बंदे हैं, बस ये फिक्स्ड है। जब मैं लाहौर पहुंचा तो एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ गई 200, वो सेकेंड स्टॉप ये हो गया और 200 बंदे हो गए, लाइट डबल हो गई, ठीक है ना, लोगों की तादाद डबल हो गई। जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उधर भाई 200 की भी डबलिंग हो गई वैल्यू, 400 हो गई, ठीक है, और स्टॉप बढ़ गया। सेम यही एफ स्टॉप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। एफ स्टॉप ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके एफ नंबर की वैल्यू हमें अटेन होती है, ठीक है। आप एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि एफ स्टॉप की अगर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, जैसे जैसे आपके एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना तो आपका आयरिस
कम होता चला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है कम लाइट ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो खैर ये तो एफ स्टॉप का रिलेशन था, एफ स्टॉप और एफ नंबर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सही है, एफ स्टॉप स्टॉप होगा तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। और हाँ एक और लाइट, जैसे जैसे आपकी एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी ना, अमाउंट ऑफ लाइट हाफ होती चली जाएगी, ठीक है। एफ स्टॉप की वैल्यू को आप कम करते जाएंगे, अमाउंट ऑफ लाइट डबल होती जाएगी, ठीक है। अब देखें, मेरे पास लेंस का डायमीटर था 16 mm, एफ नंबर की वैल्यू थी 1.4। मैंने क्या काम किया, मुझे पता था सबसे पहले मैं एफ स्टॉप कैलकुलेट करूँगा। एफ स्टॉप क्या है, 16 / 1.4, क्यों, एक्चुअल डायमीटर 16 mm डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डायमीटर, तो वो 1.4, वो आ गया 1.4। तो मेरे पास ये आ गया इफेक्टिव डायमीटर इस दफ़ा, कि टोटल इफेक्टिव डायमीटर मेरा 16 mm में से कितना ओपन हो सकता है, 11.43 तक हो सकता है मैक्सिमम, अदरवाइज वो बाकी सारी जगह मैकेनिकल लीव ने लीव ही होंगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ए सर्कल का अब आप फार्मूला लगाएंगे, आपने कौन सा फार्मूला जहन में लाना है, पाए डी स्क्वायर अपॉन 4। ए की वैल्यू आपको नहीं पता, छोड़ देंगे आप ए को ऐसे, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.142, डी की वैल्यू आपने अभी निकाली इफेक्टिव डायमीटर, यहाँ पे आपने इफेक्टिव डायमीटर की वैल्यू रखनी 11.43 का होल स्क्वायर अपॉन 4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो एरिया आपके पास आएगा 102.5 mm², ठीक है, और वो ये री वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया। अब मुझे आपको पता है कि आप एफ नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, कि आपको पता है कि यार 1.4 मेरे पास जो इस कैमरा स्पेसिफिकेशन के अंदर 1.4 है, मुझे नेक एफ स्टॉप की वैल्यू क्या होगी, मुझे क्या पता, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करूँगा। अब मुझे पता है मैं एफ नंबर की वैल्यू जब बढ़ाऊँगा तो अमाउंट ऑफ लाइट हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एरिया को डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, एरिया को डिवाइड बाई 2 करूँगा, क्या आया मेरे पास 51.25। इस दफ़ा एरिया का फार्मूला मैं दोबारा लगाऊँगा, ए इज इक्वल टू पाए डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ए की जगह पे मैंने रख दिया 102.5 इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू मैंने वैसे ही छोड़ दी 3.142, डी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया अपॉन 4, 4 को मैं नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 102.5 मल्टीप्लाई बाय 4, और वहाँ पे पाई मल्टीप्लाई हो रहा था डी स्क्वायर के साथ, तो यहाँ आके इज इक्वल टू के उस पर आके डिवाइड हो जाएगा और डी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डी स्क्वायर को मैंने इंडिपेंडेंट किया हुआ। अब 102.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई आप करेंगे तो आपके पास, अब इस पर मुझे तो नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी, आपके पास कोई एक वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आप ये जो स्क्वायर है इसको भी तो हटाएंगे ना, डी स्क्वायर की वैल्यू आई है, देखें डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट दी अपर वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो डी जब स्क्वायर रूट जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, आप जब उस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे जो ऊपर निकली थी आपके पास, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 8 mm। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 8 mm डायमीटर आ गया। अब आपके पास एक्चुअल डायमीटर कितना था, 16, इफेक्टिव कितना आया, आपके पास 8 आया, तो अब आप क्या करेंगे, 16 / 8 2, तो एफ स्टॉप की वैल्यू नेक्स्ट होगी 2, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बहुत आसान मेथड है, आपने सिंपल कुछ नहीं करना, एफ नंबर इज इक्वल टू फार्मूला है रूट टू की पावर एन, सिंपल आपका कोई फार्मूला नहीं, इसमें एन की वैल्यू रखते जाएं, सबसे पहले एन की वैल्यू 0 रखेंगे, तो एनीथिंग विच हैज़ द पावर 0 इज इक्वल टू 1, लाइक 2 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, 1 lakh की पावर 0 1, किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 होती है तो फिर वो 1 के बराबर होती है। तो देखिए 2 की पावर 0 रखा 1, तो पहली एफ की वैल्यू सबसे छोटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, जो कि इन रियलिटी पॉसिबल नहीं होती, इतना ज़्यादा वो ओपन होता ही नहीं, वो उसमें नॉइज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग एक दो स्टेप अभी मैं बताऊँगा कि हम लोग एक दो एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ा के ही रखते हैं, ठीक है। अब देखें रूट 2 की पावर n था ना, अब मैंने इस दफ़ा n में 1 रखा तो मेरे पास क्या आया, 2 की पावर 1 2 आ गया, तो रूट 2 की वैल्यू क्या आती है, 1.4। देखें आपने अभी यहाँ पे 1.4 ये आ गई दूसरी वैल्यू, अब मेरे पास तीसरी 2 आनी चाहिए, क्योंकि ये देखें मैंने इसके बाद ये 2 निकाली है ना, ये देखें ये 2 निकाली है। अब कैसे आएगी, f इज इक्वल टू रूट 2 की पावर 2, ठीक है, तो रूट 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा रूट 4, और ये 2 आ गया, जब रूट से बाहर आएगा तो फिर 4 हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने f नंबर इज इक्वल टू दी स्क्वायर रूट के अंदर 2 की पावर n, इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 रखते चले जाएँ और वैल्यूज़ निकालते चले जाएँ। एक ये तो आसान तरीका, एक और तरीका ये है, ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये
जिस तरीके से आपको सी सी एन ए अगर आप में से किसी ने किया हो तो आपको आइडिया होगा कि जब आपको ओ एस आई की जो लेयर्स हैं जब आपको याद करनी पड़ती हैं तो फिर आप उसके साथ कुछ बना लेते हो, लाइक ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, कुछ इस तरह का होता है वो आप बना लेते हो, निशानी बना लेते हो। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक और तरीका ये है कि पहली वैल्यू आपको पता है 1 है, दूसरी वैल्यू 1.4 है। अब आपने क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ को याद रखना है, 1 और 1.4, ये पहली दूसरी वैल्यूज़ हैं। पहले वाली वैल्यू को पकड़ें, मल्टीप्लाई बाय 2 कराएं और दूसरी वाली जो वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराना शुरू कर दें। 1 2 2, ये तीसरी वैल्यू आ गई। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.8। तो अब कैसे लिखेंगे आप, 1, 1.4, फिर उसके बाद 1 से जो 2 से मल्टीप्लाई कराई हुई थी वो टर्म आ जाएगी 2, और फिर 1.4 इंटू 2, 2.8, वो 2.8 आ जाएगी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें तो तीसरा मेथड रहने दें, कोई मसले की बात नहीं। सिंपल आपने क्या करना है, आपको पहले दो वैल्यूज़ पता हैं वो आपने याद कर लेनी है। 1 और 1.4 होती है हमेशा एफ स्टॉप की पहली दूसरी वैल्यू। पहले वाली वैल्यू को पकड़ें, मल्टीप्लाई पर 2 कराना शुरू कर दें और उसको जो है ना 1, 3, 5, 7, 9 पोजीशन पर रखना शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी वाली आपको पता है 1.4 थी वैल्यू, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना शुरू करें, 2, 4, 6, 8, 10 की पोजीशन पर रखना शुरू कर दें, आपके पास ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ बन जाएगी। ऐसे कर लें, नहीं करना तो आप सेकंड मेथड से यूज़ कर लें, रूट स्क्वायर रूट 2 की पावर एन से कर लें, वरना फर्स्ट मेथड तो जिंदाबाद, ठीक है। रिकमेंडेड फर्स्ट मेथड है डेप्थ ऑफ फील्ड। अच्छा, उसके साथ मैंने अभी आपको एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, वो क्या है कि जैसे जैसे आपके एफ नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है ना, आपकी अमाउंट ऑफ लाइट हाफ होती चली जाती है, ठीक है, ये तो पता है आपको। यही वजह है कि अगर आप कोई एक ऐसा लेंस लें जिसकी वैल्यू 16 mm है और उसके एफ नंबर 1 है, और एक और एक लेंस है आपके पास उसकी वो भी 16 mm का है मगर उसके एफ नंबर की वैल्यू 1.4 है, तो आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा एफ नंबर की वैल्यू बढ़ी है, अमाउंट ऑफ लाइट हाफ हो गई, ठीक है। एक और चीज़ होती है जी, ट्रांसमिटेंस फैक्टर जिसको हम टी नंबर कहते हैं, ठीक है। इसका जिक्र समझ ले पीछे होना था, ये रहा टी नंबर। ये टी नंबर क्या होता है, देखिए जब कोई भी किस्म का पीस ऑफ ग्लास होता है ना, किसी भी किस्म का अगर हम पीस ऑफ ग्लास की बात करते हैं ना, चाहे वो जितनी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, जितने अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर क्यों ना हुआ, वो कुछ लाइट लॉस तो होगा ना, चाहे आप वो ये ज़रूर हो सकता है कि वो निग्लेजिबल हो, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में हो टोटल लाइट एनर्जी का, ठीक है। मगर अगर हमें एक्यूरेट लेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड हैं तो हमें उसको भी कंसिड्रेशन में लाना पड़ेगा। यही वजह है कि हम लोग ने टी नंबर को इंट्रोड्यूस कराया। वो टी नंबर क्या है, ट्रांसमिटेंस फैक्टर कहलाता है। ये हमेशा 100%, ये हमेशा परसेंट में होता है और ये 100% से कम होता है, ठीक है। कहा तो ये जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो है ना टी नंबर को यूज़ करते हैं, मगर मैंने अब सीसीटीवी की दुनिया में इसकी डिप्लॉयमेंट नहीं देखी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्विच के अंदर जो है ना, अगर आप स्विच की बात करते हैं तो फिर आप एक कंसोल पोर्ट होती है और एक ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, ऑक्सिलरी पोर्ट की डिप्लॉयमेंट कितनी रेयर है। इसी तरीके से इसमें भी यही सीन है, टी नंबर की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रेयर है सीसीटीवी सिस्टम में, मैंने तो अब तक नहीं देखी एटलीस्ट। और माइट भी ये हो सकता है कि आपके SLR DSLR जो कैमराज हैं उसमें हो, टी नंबर की वैल्यू होती हो, ठीक है। तो टी नंबर को भी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा, ये रहा टी नंबर का फार्मूला, ठीक है जी। 10 मल्टीप्लाई बाय एफ नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। 10 आपको पता है, एफ नंबर की वैल्यू रख लें आप 1.4 रख लें, सपोज करें आपके पास 1.4 है, डिवाइडेड बाय आपको ट्रांसमिटेंस की वैल्यू दी भी होगी, लाइक 96% ट्रांसमिटेंस है, आपके पास 98% है, आपके पास 90% है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 96 अंडर रूट मीन्स स्क्वायर रूट 96। इससे आप मल्टीप्लाई कराओगे एफ नंबर को 10 से और डिवाइड करा दोगे स्क्वायर रूट 96 से, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो टी नंबर की वैल्यू आएगी, ठीक है। आ जाए जी डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, देखें जी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, इन रेंज फोकस डिस्टेंस को हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। आपका कैमरा कितना बड़ा एंगल ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू देखने की सलाहियत रखता है उसको हम
फोकस इमेज में, मतलब फोकस्ड कितना एंगल ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू देखने की सलाहियत रखता है, उसको हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मुझे आप ये बताएं कि जब आप दिन की रोशनी में मौजूद होते हैं तो आप अपने आयरिस को कम ओपन करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके आपको अप्रोप्रिएट लाइट पहले से मिल रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपको एक्सेस लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, तभी बजाय आप अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हो, ठीक है। जब आप अपनी आइज़ को क्लोज करते हो, क्लोज करने के बावजूद भी आपको दिन के टाइम ज़्यादा अच्छा नज़र आता है या रात में जब आपकी पूरी आँख खुली भी हो तब आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आता है? ऑफ कोर्स दिन में, ठीक है। सेम यही चीज़ आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कहलाती है, बल्कि ये होती ही डेप्थ ऑफ फील्ड है, ठीक है, इन रेंज फोकस डिस्टेंस। आप एक चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, या तो आप इतनी दूर से देखना शुरू कर दें कि वो चीज़ ही नज़र ना आए, या आप इतने नज़दीक चले जाएं कि वो चीज़ ही जो आउट ऑफ फोकस हो जाए। इन दोनों के दरमियान जो इनिशियल और फाइनल आपकी जो इमेज फोकसिंग होती है ना, उस चीज़ को हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये वाली डायग्राम, इसमें वो ये चीज़ देख रहा है, बस यहाँ तक ये चीज़ फोकस है, बाकी ये देखें ये ब्लर हो गई, ये भी ब्लर हो गई, ये चीज़ फोकस है। इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी हो गई? बस ये हो गई। फिर इसने क्या काम किया, ये देख रहे हैं आयरिस फुली ओपन है। रात के टाइम में आपकी आइज फुली ओपन होती हैं, मगर उसके बावजूद आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है, क्यों? क्योंकि आपको कम चीज़ें रात में नज़र आती हैं, ठीक है, तो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम है। दिन के टाइम में आपका आयरिस जो है, आपकी आंख का जो आयरिस है वो बहुत ही कम ओपन हुआ हुआ होता है, ऑलमोस्ट क्लोज होता है, मगर आपको दिन की रोशनी में सब चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि जब हम आयरिस की, जब आयरिस कम ओपन हुआ हुआ होगा, यानी जब आयरिस का साइज स्मॉलर होगा, तो फिर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि आपकी अमाउंट ऑफ लाइट ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, लाइक डे लाइट है, ठीक है। जब आप जैसे जैसे आपके आयरिस का साइज बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसे ऐसे आप समझते चले जाएंगे दिन से शाम होती चली जा रही है और उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, जैसे ये इसमें आप आयरिस का साइज देख रहे हैं, ये देखें फुली ओपन है, फिर ये इतना सा ओपन है, ये इसने आयरिस साइज कम कर दी, और इसमें तो ये देख लेना, इसमें मैं एक नुक्ता लगा देता हूँ बस, ठीक है, ये इतना सा ओपन है। तो इसमें देखें यहाँ से लेके ये जो नीचे वाली ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये आपकी ये आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है? इन रेंज फोकस डिस्टेंस होती है, मिनिमम वो डिस्टेंस जहाँ से आपको अपने इमेज की क्लैरिटी नज़र आए, और मैक्सिमम वो डिस्टेंस जहाँ पे आपका इमेज ब्लर ना हो, ये जो रेंज होती है, इस रेंज को हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, ठीक है। यूजुअली जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उनमें से पहली चीज़ है जी फोकल लेंथ। जब आप अपनी फोकल लेंथ को कम करते हैं ना, तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाता है, वो वाइड एंगल हो जाता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप किसी भी चीज़ को जब फोकस करते हैं, आप वैसे भी फोकस करके देखेगा, जब आप फोकस करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो देखेगा जो उसके अतराफ़ की चीज़ें होती हैं ना, वो ब्लर हो जाती हैं, और वो जो चीज़ जो टारगेट जिसको आपने किया हुआ होता है, वो चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। अब आप आ जाइए, ये तो जूम लेंस की मैंने वेरी फोकल की बात कर ली ना, जब आप किसी चीज़ को जूम करते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए जिसका वाइड एंगल है, लाइक आप अपने घर की छत पे खड़े होते हैं और आप देखते हैं कि आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करते हो या कोई भी कैमरा ऑन करते हो और आप जब उसका इमेज लेते हो, आपको वो तमाम बिल्डिंग नज़र आ रही होती हैं, उसका ज़्यादा क्लियर इमेज आएगा, उसमें ज़्यादा ब्लर चीज़ें नज़र आएंगी आपको, या फिर आपको वो जो फोकस किया था उसमें, ऑफकोर्स जो आपका जिसमें आप सेवरल बिल्डिंग्स देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फोकस है, आपको कोई भी चीज़ जूम करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपकी कहलाती है जी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जैसे जैसे आप अपनी फोकल लेंथ को कम करते चले जाएंगे, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाएगा, और जब फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है।
इसी तरीके से जब आप अपनी अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू कम होगा, और जब फील्ड ऑफ व्यू कम होगा तो इसका मतलब है डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर रिलाई कर रहा होता है आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड। फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है। फील्ड ऑफ व्यू कम है, डेप्थ ऑफ फील्ड कम। ठीक है जी, फोकल लेंथ से इनवर्स रिलेशन है इसका। दूसरी चीज़ हो गई जी एफ स्टॉप। जैसे जैसे एफ स्टॉप की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 1.4 पे डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी, 5.6 पे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी, F22 पे आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ फील्ड और बढ़ गई। ठीक है, एक और चीज़ होती है लेंस का साइज़। लेंस का साइज़ क्या होना चाहिए? लेंस का साइज़ जो है ना, बेसिकली इसके कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे लेंस का साइज़ कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ती चली जाएगी। वो क्यों बढ़ती चली जाएगी? क्यों? क्योंकि जो आपका, सपोज़ करें अगर आप कोई एक ऐसा लेंस यूज़ कर रहे हैं जो 25, जो 1 इंच का है, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि लेंस के साइजेस क्या होते हैं, बिल्कुल सेम सेंसर साइज़ का होता है कि 1 इंच, 2x3 इंच, 4 1x4, 1x2, 1x3 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1 तक होता है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ याद आ गया। जो आपका लेंस का साइज़ होता है ना, वो आप ये कह लें कि जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, लाइक 1 इंच है, वो 25 mm पे आपको 30 डिग्री देता है। सही, 25 mm पे 30 डिग्री दे रहा होता है। 1/3 8 mm पे आपको 30 डिग्री दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे फोकल लेंथ कम होती जा, लेंस का साइज़ गिर रहा है, फोकल लेंथ कम हो रही है। जब फोकल लेंथ कम होती है तो एंगल ऑफ व्यू बढ़ जाता है, जब एंगल ऑफ व्यू बढ़ता है तो फिर आपको पता है डेप्थ ऑफ फील्ड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका कहने का मकसद ये है। ठीक है जी। अच्छा, एक एक जनरल सी चीज़ है, शायद ये मेरे ख्याल है कॉमन सेंस की बात है। जो जिन लेंसेज की फोकल लेंथ कम होती है ना, उसके अंदर फोकसिंग रिंग नहीं होता, हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, आयरिस की एडजस्टमेंट से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, आयरिस की एडजस्टमेंट से क्या मुराद है? लाइटनिंग कंडीशंस को वेरी करते हुए हम अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को कह लें, या आप अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं और आप अपने फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उन तमाम लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ शॉर्ट हैं, ठीक है, उनमें फोकसिंग रिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, फोकस रिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, हम उसके अंदर आयरिस की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखें, जब लोएस्ट एफ स्टॉप होगा, सही है ना, ऑलरेडी 2.6, 3.5 mm है, तो इसका मतलब है जब शॉर्ट फोकल लेंथ है तो इसका मतलब वाइडर एंगल ऑफ व्यू है। जब वाइडर एंगल ऑफ व्यू है तो उसके अंदर तो हमें फोकस सेट ही नहीं करना। अगर हम फोकस करेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जूम करना शुरू कर देगा और उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगी, क्योंकि जब वो एक चीज़ को जूम करेगा बाकी सारी चीज़ें आपकी ब्लर हो जाएंगी, जैसा देखिए मैंने ऊपर दिखाया हुआ अभी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसमें फोकस रिंग की जो है ना रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, एफ स्टॉप की वैल्यू को कम ज़्यादा करके हम लोग अपने फील्ड ऑफ व्यू को क्लियर और मतलब ब्राइटर और डार्कर कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होती है, एक टर्म आप सुनेंगे जी, दैट इज कॉल्ड बैक फोकस। बैक फोकस क्या होती है? देखें, अभी दो तरीके से आप अपनी फोकसिंग सेट कर सकते हैं। एक, लेंस की पोजीशन को डिस्टर्ब करके, लाइक वेरी फोकल है, ऑप्टिकल जूम करते हुए जाएंगे, बल्कि डिजिटल और ऑप्टिकल जूम में भी मैं फ़र्क आगे बताऊंगा आपको। आपने क्या काम किया, अपनी फोकल लेंथ को चेंज किया, आपने देखा नहीं यार अभी भी अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ व्यू नहीं आ रहा, आपने फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, और फिर आपने देखा हाँ जी मुझे मिल गया, ये एक आपने फोकसिंग सेट कर ली। ठीक है, एक और फोकस होता है, डेट इज़ कॉल्ड द बैक फोकस। जब कभी भी आप लेंस की फोकसिंग करें और लेंस की मदद से फोकसिंग करें और वो फोकस ना हो पाए इमेज, तब आप सेंसर की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। जब आप सेंसर की पोजीशन को आगे पीछे करते हैं, वो जो फोकस होता है डेट इज़ कॉल्ड द बैक फोकस। ठीक है, एक रीज़न ये भी है कि लेंस से पीछे लगा हुआ होता है सेंसर, इसी वजह से हम इसको बैक फोकस कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे वाली पोजीशन पे सेंसर होता है और हम सेंसर की पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ये बैक फोकस कहलाता है। ठीक है, कोशिश यही होती है कि हम लोग लेंस को ही डिस्टर्ब करते हुए फोकस कर लें, ताकि हमें लेंस, हमें पूरे कैमरे की असेंबली ना खोल के हमें लेंस वो सेंसर की पोजीशन को हमें आगे पीछे करना पड़े। ठीक है, पूरी असेंबली खोलनी पड़ जाती है, मगर अब तो मेरे ख्याल है बटन आ गई है, अब रिमोटली भी
आप कंट्रोल कर सकते हो बैक फोकस, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी बैक फोकस सही तरीके से एडजस्ट ना हुई भी हो ना, या अगर आपने उसे दिन की रोशनी में अगर आपने उसे एडजस्ट किया तो क्या होगा, जब आप उसे दिन की रोशनी में एडजस्ट करेंगे ना, तो जो उसका आयरिस होगा लेंस का, वो तो फुली क्लोज होगा, ठीक है। जब फुली क्लोज होगा इसका मतलब है ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट लाइट मौजूद है। ये मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे बहुत आसानी होनी है, ठीक है, वरना अदरवाइज ये मसले कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको सुने, इसको बार बार सुने, कोई भी नई चीज़ समझ में आती आप पूछें, ठीक है। अभी तक तो मेरे पास फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो पता नहीं, मैं बड़ा ही परफेक्ट चल रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। खैर, ठीक है, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे रखें, ताकि आप देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो टॉपिक पढ़ाए जाएँ आप सारे के सारे कर लें, ठीक है। आप करें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है, आप करें थोड़ा सा, मगर उसको सही तरीके से करें, ठीक है। तो बैक फोकस, जी हम बैक फोकस पर थे। अगर आपने बैक फोकस सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया, या आपने दिन की रोशनी में किया है उसे एडजस्ट, तो होगा क्या, उसका जो आयरस है वो तो कम ओपन होगा। जब कम ओपन होगा तो इसका मतलब उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी, तो वो उन तमाम एरियाज़ को भी फोकस कर लेगा उस टाइम जो रात में नहीं हो पाएंगे, जो रात में आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन आप दिन की रोशनी में देखते हैं और उसकी तमाम चीज़ें देख रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि रात के टाइम में भी आप वो तमाम चीज़ें देख लेंगे? नहीं, ठीक है, वो विजिबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि एक जगह पे हम लोग बैक फोकसिंग कर रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने यही किया था कि दिन की रोशनी के अंदर हम लोगों ने अपनी बैक फोकसिंग को एडजस्ट किया, और हम लोगों ने बोरिया बिस्तर उठाया, जी घर चले गए। हमने कहा भाई ये तो 1 मिनट में हो गया, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है। तो रात के टाइम में क्या हुआ कि नाइट विजन उसमें जो है ना आउट ऑफ फोकस आ गया इमेज, वो जो बंदा उधर बैठा हुआ था ऑपरेटर उसने बुला लिया, उसने सुबह उठते उसने कहा भाई आ जाओ, इतनी जल्दी तुम लोग फोकस करके चले गए हो। हम लोग जब वापस आए हमने देखा वापस दिन की रोशनी में क्या हुआ, वापस सेम वही सिनेरियो, जब दिन की रोशनी हुई आयरस की, वापस आयरस क्लोज हो गया, जब आयरस क्लोज हो उसने वापस उन तमाम ऑब्जेक्ट को जो रात में आउट ऑफ फोकस थे वो दिन में फोकस हो गए। हमने कहा भाई ये तो सही क्लियर इमेज आ रहा, कह रहे भाई रात में तो आउट ऑफ फोकस था। फिर हमने वो पूरी रात रुकना पड़ा और हम लोग ने देखा हाँ यार ये तो वाकई मसला है। तो फिर हम लोग ने इसका क्या नतीजा निकला, ये इतनी बड़ी कहानी जो सुनाई है, उसका नतीजा ये हुआ कि जो बैक फोकस होता है ना, वो हमेशा आपने उस वक्त एडजस्ट करना होता है जिस वक्त आपके आयरस की जो पोजीशन है ना, या आपके जो आयरस का साइज़ है वो मैक्सिमम ओपन हुआ हुआ होना चाहिए, ठीक है। लाइक आप रात के टाइम में करें, आप इवनिंग के टाइम में करें, अगर आप स्ट्रॉन्ग डे नाइट में, अगर कोई कहे नहीं भाई मेरे पास तो दोनों दोनों टाइमों में जगह नहीं है, मैं नहीं कर सकता इन टाइमिंग्स में, वो अगर दिन की रोशनी में करना चाह रहे हैं तब वो एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तब हम लोग एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, दैट फिल्टर इज़ कॉल्ड दी ND फिल्टर, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। ये फिल्टर्स क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग लाइट के ख़िलाफ़ जो है ना, समझ लें जंग का ऐलान कर देता है वो। ये क्या करता है, ये आर्टिफिशली जो है ना स्ट्रॉन्ग लाइट को रिड्यूस कर देता है। ये जो फिल्टर्स होते हैं ये आर्टिफिशली स्ट्रॉन्ग लाइट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जब ये आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग लाइट को रिड्यूस कर देते हैं ना, तब आप आसानी के साथ दिन की रोशनी में इन फिल्टर्स को यूज़ करते हुए आप एक्यूरेट जो है ना बैक फोकस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखें डेप्थ ऑफ फील्ड का आपको रिलेशन पता चल गया, एफ स्टॉप के साथ, एफ नंबर के साथ, फोकल लेंथ, एंगल ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, लेंस फॉर्मेट के साथ, ठीक है जी। ये जी ND फिल्टर्स, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये मैं डेंसिटी लिखना भूल गया, मेरे ख्याल है नीचे मैंने लिखा है जी, देखें लिखा हुआ है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर। न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर अभी मैंने आपको बताया, जब कभी भी आर्टिफिशियली आपने अपनी स्ट्रॉन्ग लाइट को रिड्यूस करना हो तो फिर आप न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर यूज़ करते हो। ये दो तरह के होते हैं, ये इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल का मतलब है कैमरे के अंदर लगे हुए आए, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आप इसको सेपरेटली भी लगा सकते हो, ठीक है। ये भी समझ लें सेमी ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है जो आपके लेंस के आगे लगता है, ठीक है। और आप जो है ना इसको जब लगा रहे होते हो ना, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपने अपनी लाइट की अटेन्यूएशन कितनी रिक्वायर्ड है, आपको अपनी लाइट की कितनी अटेन्यूएशन रिक्वायर्ड है। लाइक ये किस तरह से होता है, नंबर ऑफ टाइम्स की सूरत में बता रहा होता है कि 10, 100,
हज़ार गुना आपने कम करनी है लाइट, कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, जो ये होती है ना 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, आप इसको कंबाइन करके एक नई वैल्यू भी बना सकते हो, लाइक 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 10,000 टाइम्स भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल है एंटी फिल्टर से रिलेटेड इतना इतना इनफ मटेरियल है। और इसमें एक और चीज़ थी, हम इसको न्यूट्रल क्यों कहते हैं, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये बड़े काम की चीज़ है। न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर को हम लोग न्यूट्रल इस वजह से कहते हैं क्यों, क्योंकि ये तमाम कलर की वेवलेंथ को एटेन्यूएट कर देता है, कलर कंपोजिशन चेंज नहीं करता। मिसाल के तौर पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ आ गई, मिसाल के तौर पे ये क्या करता है, अगर कोई शार्प रेड कलर था तो उसको वो पेल रेड कर देगा, मगर ऐसा नहीं है कि वो रेड ब्लू ग्रीन तीन कलर हैं तो उन तीनों के कलर की कम्बिनेशन ही चेंज कर देगा, वो तीनों को मिला के कोई नया कलर बना देगा, नहीं। वो क्या करेगा, अगर शार्प रेड है तो पेल रेड कर देगा, अगर पेल ब्लू है तो फिर वो शार्प ब्लू कर देगा, वो इस तरह से वो कलर की वेवलेंथ को चेंज करता है मगर कलर की कंपोजिशन को नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि ये एनडी फिल्टर जो होता है न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, ये न्यूट्रलाइज कर देता है आपके कलर, आपके वेवलेंथ को, कलर की वेवलेंथ को, ठीक है। तो आपने इसका इमेज देखना है, अभी देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें जी, बिफोर में कैसा इमेज आया था और आफ्टर में कैसा इमेज आ रहा है, ये देखें बिफोर ये रहा, ये रहा, और आफ्टर देखें नेचुरल इमेज आ रहा है आपको आफ्टर में। इस तरीके से ये देखें आप, ये आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ये पूरा देखें पीछे ब्राइटर इमेज आ रहा है, ठीक है, ये पूरा ब्राइटर इमेज आ रहा है। और यहाँ पे देखें आप, ठीक है, ये देख रहे हैं आप क्लियर इमेज, ये भी देख लें आप। ये आपको मेरे ख्याल है सबसे अच्छी एग्जांपल, मुझे यही लगी थी सबसे अच्छी पिक्चर यही लगी थी। विदाउट एंडी फिल्टर देखें आपको इमेज किस तरह का आ रहा है, और विद एंडी फिल्टर देखें आपको ग्रीन लीव्स, पूरा ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही है, ठीक है। ये तो हो गया एंडी फिल्टर आयरस। आयरस क्या होता है, जब अमाउंट ऑफ लाइट, आयरस समझ लें कि आयरस क्या करता है, ये आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है इन डिफरेंट लाइटनिंग लेवल्स के अंदर, ठीक है। सुबह के टाइम कितनी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए ये बताएगा, ये इंस्ट्रक्शन देता है मैकेनिकल आयरस लीव्स को, मैकेनिकल लीव्स को, सही ना, मैकेनिकल लीव असेंबली जो आपने शुरू में देखी थी, ये आयरस जो इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ भाई, मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि आप घर के मालिक हैं और आप मेन गेट के, आप मेन गेट के हवाले से ऑर्डर्स देते हैं कि भाई साइकिल आ रही है छोटा वाला गेट खोल दो, और अगर बाइक आ रही है तो फिर आप जो मेन गेट है उसका एक गेट ओपन कर दो, और अगर गाड़ी आ रही है तो आप पूरा गेट ओपन कर दो, ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, ठीक है। जब गाड़ी आएगी तो फिर आप पूरा ही गेट खोलोगे, अब गाड़ी दिन में अगर 3 दफ़ा आ रही है तो आप 3 दफ़ा पूरा गेट ओपन करोगे। इसी तरीके से लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, अगर सुबह के टाइम में जितनी रोशनी चाहिए ये आयरस बताएगा उसको कि मैकेनिकल लीव्स ने कितना ओपन होना है, ठीक है। और एक इसके ना कुछ टाइप्स होती हैं आयरस की, ओ ये तो मैं बताना ही भूल गया, ये बेचारा सैड हो गया, ये कह रहा है कि जो है ना मैं बड़ा गमगीन हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है, आयरस की इमेज नहीं है, मगर मैं आपको आयरस की एग्जांपल दे सकता हूँ, आयरस आपको अभी इसी वक्त समझ में आ जाएगा, मतलब रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ मैं। आप क्या करें, आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें, ठीक है, मोबाइल का कैमरा ऑन करने के बाद जिस तरफ आपकी एनर्जी सेवर जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है या आपका कोई बल्ब जो है ना ऑन है आपके रूम में, आप उसकी तरफ अपने कैमरे को पॉइंट करके कैमरे को होल्ड कर लें, आप देखेंगे आपको बिल्कुल वाइटनिंग इमेज नज़र आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट कम हो रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आयरस इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई क्लोज़ कर लो आयरस को, तो आपको आखिर में एक अब उस लाइट का स्पॉट नज़र आ रहा होगा, ये आयरस की एग्जांपल है, ठीक है। आप देखें और आप इंजॉय करेंगे इसको, आप कहेंगे हाँ भाई हमें भी जब पता चला था तो हम लोग ने भी बड़ा खेला था, हमने कहा ये देखो यार हम लोग ने एक कैमरे में हमारे ये भी फंक्शन है, हालांकि ये फंक्शन नहीं होता, ये बिल्ट इन होता है, ठीक है। तो आयरस, आयरस की टाइप्स होती है जी, मैनुअल आयरस, ऑटो आयरस, मोटराइज्ड आयरस, वीडियो ड्रिवन, डीसी ड्रिवन, एएलसी और लेवल एडजस्टमेंट, ये इसी डीसी ड्रिवन की निशानियाँ हैं, एएलसी और लेवल एडजस्टमेंट, ठीक है। मैनुअल आयरस क्या होता है, मैनुअल आयरस वो आयरस होता है जिसको आप मैनुअली एडजस्ट करते हो, लाइक आप अपने हाथों से एडजस्ट करते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पे नेचुरल लाइट जो है ना आपकी आर्टिफिशियल लाइट, मतलब नेचुरल लाइट आपकी एम्बियंट लाइट में या आर्टिफिशियल लाइट में इंटरफेयर ना करे। मिसाल के तौर पे अंडरग्राउंड कार पार्किंग हो गई, आपकी लाइब्रेरीज़ हो गई, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ठीक है, और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि नेचुरल लाइट इंटरफेयर ना करे हमारी एम्बियंट लाइटनिंग में। एम्बियंट लाइट क्या होता है, जनरल लाइटनिंग लेवल्स होती हैं,
ठीक है, जो जनरल लाइट आप यूज़ कर रहे होते हो नॉर्मली, जो आपके कमरे के अंदर अगर दो बल्ब जल रहे हैं और वो साला साल दो ही बल्ब जल रहे हैं, तीसरा नहीं जल रहा, तो आपकी एम्बियंट लाइट उन दो बल्बों की है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि मैनुअल आरएस हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट है वो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन है तो मैनुअल आरएस उसको एडजस्ट कर लेगा। आप ये समझ लें कि मैनुअल आरएस के अंदर हम लोग मैनुअली एक रेंज होती है जिसको हमें एडजस्ट करनी पड़ती है एक सर्टेन लाइट लेवल की वेरिएशन तक। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैनुअल आरएस कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब हमारे ना कैमरे के अंदर दो आयरसेस होते हैं, एक सेंसर आयरस कहलाता है और एक लेंस आयरस कहलाता है। सेंसर आयरस क्या करता है, ये आपके एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कितनी देर के लिए मुझे सेंसर के ऊपर अमाउंट ऑफ लाइट को छोड़ना है, ठीक है, कितनी देर के लिए अमाउंट ऑफ लाइट हमारी सेंसर के ऊपर एक्सपोज हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोजर टाइम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो जो सेंसर आयरस होता है वो क्या करता है, एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल करता है, और जो लेंस आयरस होता है वो आपकी लाइट की वेरिएशन को कंट्रोल करता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जो आपका लेंस है ना, लेंस आयरस है, ये आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है, जबकि जो सेंसर आयरस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, उसका डेप्थ ऑफ फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लिहाजा यही वजह है कि हम लोग जो प्रेफरेंस दे रहे होते हैं ना वो आयरस को देख लेंस आयरस को देते हैं, ठीक है। आगे चल के अभी आप ये भी देखेंगे कि हमें ये दोनों के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब दो मेजर फैक्टर ऐसे हैं जो आपका जो मैनुअल आयरस है ना वो उस पर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देता है। कोई ये कहता है नहीं, मुझे तो मैनुअल आयरस ही यूज़ करना, मुझे ऑटो आयरस यूज़ नहीं करना। हालांकि मेजॉरिटी 99% सिनेरियोज़ के अंदर आप ऑटो आयरस यूज़ करते हो। आउटडोर के लिए तो आप जो है ना आउटडोर कैमराज अगर आप लगा रहे हो तो ऑटो आयरस यूज़ करते हो, जबकि अगर आप इनडोर कैमराज लगाओगे तो आप मैनुअल आयरस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है साल के 365 दिन आपके ऑफिस में लाइट जलनी जलनी है, ठीक है, तो आप मैनुअल आयरस यूज़ करो क्योंकि लाइट वेरिएशन हो ही नहीं रही। हाँ, ऑटो आयरस सुबह शाम रात दिन ये सब चीज़ें लाइटिंग टोटली डिफरेंट है और ह्यूज वेरिएशन है जिसकी वजह से हम ऑटो आयरस यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम ऑटो आयरस को भी देखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। दो मेजर फैक्टर मैंने अभी आपको बताया मैनुअल आयरस के लिए, दो मेजर फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, एक कहलाता है लाइट इंटेंसिटी और एक कहलाता है सॉरी डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। इन दोनों ना फैक्टर्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, यही वजह है कि जो हमारी मैनुअल आयरस की सेटिंग है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। क्या आप ये कह लें कि हम जो आयरस है वो कब मैक्सिमम ओपन हो सकता है, किन कंडीशंस में हो सकता है? कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम आयरस में किन कंडीशंस, मैक्सिमम आयरस किन कंडीशंस में ओपन हो सकता है, आप उसको बताएंगे या तो कैमरे की सेंसिटिविटी ही आपकी ख़राब हो, लाइक बहुत कम सेंसिटिव है आपका कैमरा, उस सूरत में भी आपका आयरस जो है ना ओपन हुआ हुआ होगा क्योंकि लाइट ही वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मल लाइट मौजूद है, अगर आपके कैमरे की सेंसिटिविटी कम है तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि आपके लाइट लेवल ही लो है, ठीक है, तब भी ये करेगा। तो इन दोनों सूरतों में ना आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही वजह है। अब आप देखें डेप्थ ऑफ फील्ड और लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी कि ज़्यादा होगी? चले आप लोग बताएं, अभी इतना सुना है लेक्चर तो इतना तो आपको बताना ही चाहिए। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होगी? इन दोनों सिचुएशन में आपका जो जो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना वो कम होगी, ठीक है। अगर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी कम है तो आपका मतलब है लाइट डेप्थ ऑफ फील्ड कम है, सिंपल। ऑटो आयरस, ऑटो आयरस क्या होता है, ऑटो आयरस के अंदर जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी मौजूद होती है और वो क्या करती है, हमारे वीडियो सिग्नल को जो कि कैमरे से आ रहा होता है उस सिग्नल को ये प्रोसेस करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, ठीक है। ऑटो आयरस के अंदर सिंपल क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी मौजूद होती है, वो सर्किटरी क्या करती है आपके कैमरे से सिग्नल, वीडियो सिग्नल को लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर डिसाइड करती है उस वीडियो सिग्नल लेवल के ऊपर, उस को बुनियाद बना के, बल्कि आप ये कह लें कि वीडियो सिग्नल लेवल को बुनियाद बना के वो इस बात के डिसीजन लेती है कि आयरस को ओपन करना है कि क्लोज़ करना है, ठीक है। ऑटो आयरस को हम लोग जो है ना एक टर्म होती थी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल फीडबैक,
हाँ ऑटो वायरस को हम लोग जो है ना ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल फीडबैक भी कहते हैं। ये फीडबैक से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप उर्दू आईटी एकेडमी की बात कर लें। उर्दू आईटी एकेडमी मिसाल के तौर पे सबसे पहले वेबसाइट बनी, आपको एक्सेस दिया गया, आप लोगों को पता चला, आपने यूज़ किया और आपने फिर उसके बाद जाते जाते अपनी राय छोड़ दी, लाइक के भाई उर्दू आईटी एकेडमी फोरम बहुत अच्छा है या रिप्लाई देर से आता है। आपने इस तरह की कोई भी फीडबैक दे दी जिससे आपको ये पता हो कि उर्दू आईटी एकेडमी अपने मयार को मज़ीद अच्छा कर सकती है। इसी तरीके से ये जो फीडबैक है यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही फीडबैक यूज़ हो रही है कि ये क्या करता है, ये कैमरे से जब इसको सिग्नल मिल जाता है ना, वीडियो सिग्नल, तब उसके बाद ये फीडबैक देता है कि हाँ भाई अब आयरस को कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही बताती है वीडियो सिग्नल के रिसेप्शन के बाद, जिस तरीके से आप एक्सेस करने के बाद वेबसाइट बताते हो ना कि भाई हाँ ये साइट अच्छी थी कि नहीं, तो इसी तरीके से ये इसका भी यही है। ठीक है, ऑटो वायरस के अंदर ना कुछ चीज़ें हैं, लाइक ऑटो वायरस क्या करता है, कैमरे से पावर ले रहा होता है। ठीक है, ऑटो वायरस लेंस की समझ लें बुराई ये है कि वो कैमरे से पावर ले रहा होता है। ठीक है, यूजुअली 9 वोल्ट DC लेता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसको वीडियो सिग्नल भी रिक्वायर्ड होता है। और तीसरी चीज़, उसको कॉमन कॉमन आपने केबल सुना होगा ना, कॉमन वायर, तो कॉमन भी उसको रिक्वायर्ड होता है। वो कॉमन क्या चीज़ होती है, ये यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक्स होती है आपके लेंस और कैमरे की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जब मैं बात करूँ ना कि मैंने कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप समझ जाएंगे सर्किटरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑटो वायरस के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, एक हमें पावर, एक हमें वीडियो सिग्नल और एक हमें कॉमन, या आप जिसको ज़ीरो भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी और कॉमन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड वायर होती है कॉमन की। ये जो तमाम जो हम लेंसेज पाते हैं ना, ये ऑटो आयरस की, ये ऑटो आयरस की बेसिकली तमाम जो केबल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर, वो तमाम शील्डेड होती हैं। वो शील्डेड क्यों होती हैं, ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जा सके। ठीक है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बारे में सुनना है, तो आप सिंपल उर्दू आईटी एकेडमी की साइट पे जाइए, आप उसके वीडियो लाइब्रेरी के जो है ना ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ICND 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उसमें जाइए, उसमें पहले लेक्चर के अंदर बड़ा क्लियरली बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होती है और हमने क्यों शील्डेड करते हैं, हमने क्यों ट्विस्ट किया, दिस एंड दैट वगैरह, आप जाके चेक कर लें। ठीक है जी, ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ये इतना इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो ये जो वायर्स होती हैं ना, अच्छा, ये क्या होती हैं, ये शील्डेड होती हैं। शील्डेड क्यों होती है, ताकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचा जा सके। और यूजुअली क्या होता है, ये जो वायर्स होती हैं ना, ये आपके कैमरे बॉडी से कनेक्टेड नहीं होती, ये आपके लेंस के साथ एक मेटल रिंग होती है, उसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि जब कैमरे से कोई भी सिग्नल फेड होता है ना, और तो फेड होने के बाद वो आपके लेंस के पास जाके बताता है कि हाँ भाई आयरस को कम कर दो, ज़्यादा कर दो। ठीक है, उसको कैमरे से कोई काम ही नहीं है, उसको तो लेंस से काम है। इसीलिए ये तमाम वायर्स जाके टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, ये आपके लेंस मेटल रिंग से जाके होती हैं। ठीक है, जो कि कैमरे के अंदर फिट हुई हुई होती हैं। तो और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो ऑटो वायरस की केबल है ना, उसको जितना छोटी हो सके उतनी यूज़ करें, जितना मुमकिन हो ना उतना छोटी केबल यूज़ करें। उससे क्या होता है, अनवांटेड इंटरफेरेंस जो है ना इंड्यूस नहीं होती आपकी वीडियो सिग्नल के अंदर। ठीक है, अब आप ये देख लें, कुछ ऑटो वायरस केबल्स जो होती हैं वो जो है ना, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है ना 3 वायर बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स 2 वायर बनाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स 4 वायर भी बनाते हैं। ठीक है, जो 3 वायर्स बनाते हैं उसके जो कलर कोडिंग है वो क्या है, रेड, वाइट और ब्लैक। ब्लैक केबल जो होती है वो कॉमन के लिए यूज़ होती है, रेड पावर के लिए और वाइट वीडियो केबल के लिए। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स पैसे बचाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो रेड और वाइट को तो छोड़ देते हैं, जो ब्लैक है ना कॉमन वाली, वो क्या करते हैं, वाइट और रेड तो हो गई पावर और वीडियो की। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो इन दोनों की, रेड और वाइट की जो शील्डिंग होती है ना, उसको जो है ना एज अ कॉमन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लेंस ऐसी भी होती हैं, कुछ ऑटो वायरस लेंसेज ऐसी भी होती हैं जो जो 4 वायर बेस्ड होती हैं, जो चौथी वायर होती है ना वो अनयूज्ड केबल कहलाती है। और वो जो अनयूज्ड केबल है, या अनयूज्ड वायर है, सॉरी, अनयूज्ड वायर जो है ना वो ग्रीन कलर की होती है, ये चौथी केबल होती है ना वो ग्रीन कलर की होती है। जब कभी भी आपने अपने ऑटो आयरस को रिमोट से कंट्रोल करना हो, तब आप ये चौथी वायर यूज़ करते हो, ग्रीन वायर। ठीक है, इस किस्म के लेंस को हम लोग मोटराइज्ड आयरस लेंस कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपने रिमोट कंट्रोल से
रिमोट से कंट्रोल करना हो अपने लेंस को, तो उस लेंस को हम लोग कहते हैं मोटराइज आयरस कंट्रोल, मतलब आप अपने आयरस को कंट्रोल करें। ठीक है, ये जो कंट्रोल है ना, ये कैसे होता है कि आयरस की ओपन और क्लोजनेस को कैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये एक वोल्टेज से करते हैं। ये वोल्टेज कौन देता है, ये आपका साइड ड्राइवर दे रहा होता है। साइड ड्राइवर क्या होता है, लाइक अक्सर अब इस तरह आपने देखा होगा, आप जब अगर फील्ड की जॉब है अगर आपकी, तो फिर आप साइड्स पे जाते हैं, ये वही साइट है। और जो ड्राइवर साइट, वो ड्राइवर क्या है, ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर बता रहा होता है, जो साइट ऑपरेटर होता है वो वोल्टेज इंड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से वो फिर आयरस कम ज़्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका जूम लेंस काम करता है, फोकसिंग आपकी काम कर रही होती है, सेम उसी तरीके से ये आयरस भी कंट्रोल होता है। ठीक है, अब रीज़न ये आता है कि भाई सीसीडी आयरस की बात करें, ओ सॉरी सीसीडी कह रहा हूँ, सेंसर आयरस की बात करते हैं और लेंस आयरस की, ये दोनों क्या साथ यूज़ हो सकते हैं, ये दोनों क्या दोनों एक साथ इनेबल होते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हमें इन दोनों में से किसी एक को इनेबल करना पड़ता, दोनों को साथ नहीं करते। उन दोनों का रीज़न क्या है, जो आपके सेंसर की सर्किटरी है ना, उसके साथ कोई मैकेनिकल पार्ट तो है नहीं। ठीक है, उसको तो सिंपल सिर्फ एक्सपोजर टाइम को कंट्रोल करना है। तो जब एक्सपोजर टाइम को वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो फिर मैकेनिकल पार्ट उसका कुछ होता नहीं है। यही वजह है कि जो सेंसर का जो सेंसर के जो आयरस है ना, वो फास्टर होता है और रिलायबल भी होता है। ठीक है, जबकि अगर हम लेंस के आयरस की बात करते हैं, तो लेंस के आयरस के साथ मैकेनिकल पार्ट भी होता है, वो उसके एरिया को, जो मैंने आपको मैकेनिकल लीफ असेंबली दिखाई, जिसको कंट्रोल करना पड़ता है, मैकेनिकल पार्ट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लोअर होता है। अब होगा क्या कि सेंसर के जो आयरस है उसने डिटेक्ट किया, उसने कहा अमाउंट ऑफ लाइट कम है। जब अमाउंट ऑफ लाइट कम होगा, तो फिर वो क्या कहेगा, वो आयरस को फोर्सली इंस्ट्रक्ट करेगा लेंस आयरस को कि भाई तुम ओपन हो जाओ, ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आए। तो फिर वो बेचारा अभी अपना फंक्शन परफॉर्म ही करवा रहा होगा कि जो है ना, उसको पहले से इंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर वो उसको फॉलो करनी पड़ जाती है। ठीक है, आपको सिनेरियोस के अंदर अगर कोई ये कहता है कि नहीं मुझे दोनों चीज़ें यूज़ करनी, मुझे दोनों लेंसेज आयरस यूज़ करने हैं, तो ठीक है आप कर सकते हैं, आप रिमोट कंट्रोल आपके पास मौजूद है, आप उससे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, हम जो चीज़ जो सेंसर का आयरस होता है ना, हम उसको स्विच ऑफ करवा देते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आयरस जो होता है, लाइक लेंस का जो आयरस होता है ना, उसको हम लोग इनेबल रखते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रीज़न बताया था क्यों, क्योंकि जो आपका लेंस का आयरस होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो जो है ना, वो सिंपल ब्राइटनेस करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कम ज़्यादा कर रहा होता है। ठीक है, जो आपका सेंसर का आयरस होता है, इसीलिए हम लोग जो है ना, लेंस के आयरस को इनेबल रखवाते हैं, उसको हम ऑन करते हैं। कोई ये कहता है नहीं मुझे दोनों चीज़ें करनी है, तो कोई मसला नहीं, आप मोटराइज आयरस लेंस यूज़ कर लें। ठीक है, ताकि अगर आपका जो सेंसर का आयरस है, अगर उसने कोई इंस्ट्रक्शन दे भी दिए, तो फिर आप रिमोट कंट्रोल से जो है ना, कंट्रोल कर लें। ठीक है ना, आप अपने रिमोट से उसको चीज़ को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसके अंदर जो ऑटो आयरस की जो सर्किटरी होती है ना, उसकी करंट कंजप्शन भी होती है, उसकी करंट कंजप्शन बहुत ही कम होती है, 30 mA से भी कम की होती है। तो ये कोई इतना बड़ा लोड नहीं है आपके कैमरे पे, आपके कैमरे की पावर सप्लाई के ऊपर इतना कोई बड़ा लोड नहीं है। हाँ, पुराने ज़माने के अंदर जो ओल्डर लेंसेज थी, जो स्पेशली बिगर जूम लेंसेज थी, वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती थी करंट की। तो उस सिनेरियो के अंदर अगर कैमरे का आउटपुट सफिशियंट ना होना, तो हमें सेपरेट 9 वोल्ट DC पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़ती थी। ठीक है, ऑटो आयरस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो कि इनसाइड लेंस होती थी। इसके बाद जो टॉपिक आया था, वीडियो ड्रिवन और डीसी ड्रिवन, इन दोनों, वीडियो ड्रिवन क्या होता है, जब कभी भी हम लोग लेंस की डिवीजन की बात करते हैं, तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कन्वेक्स कनकेव कब हमने यूज़ करना है, हमने वेरीफोकल फिक्स्ड और जूम लेंस कब यूज़ करना है, और हम लोगों ने अब ये डीसी ड्रिवन और वीडियो ड्रिवन कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखें, जब कभी भी आप प्रोसेसिंग सर्किटरी के हवाले से लेंस की डिवीजन की बात करेंगे ना, प्रोसेसिंग सर्किटरी के हवाले से, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बात करेंगे, तो आपको वीडियो ड्रिवन और डीसी ड्रिवन की टाइप्स आएंगी। दो दो टाइप्स होती हैं उस हवाले से। वीडियो ड्रिवन क्या होती है, जब कभी भी आपके कैमरे की इलेक्ट्रॉनिक्स, जब कभी भी ऑटो आयरस की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो ऑटो आयरस लेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अगर लेंस के अंदर मौजूद है, सही है, अगर आपके, ये देख लेगा, गौर से सुन लेगा, ये अक्सर मिक्सअप हो जाता है। वीडियो ड्रिवन क्या चीज़ होती है, वीडियो ड्रिवन लेंसेज क्या होते हैं, वीडियो ड्रिवन आप समझ लें, ये वो हैं कि जब कभी भी आपके ऑटो आयरस की जो सर्किटरी है, जो आपके ऑटो आयरस की इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो अगर लेंस के अंदर मौजूद हो, तो उस चीज़ को हम लोग वीडियो ड्रिवन कहते हैं। और
इनको जो है ना वीडियो सिग्नल रिक्वायर्ड होता है कहाँ से, कैमरे से, ठीक है। और डीसी ड्रिवन, डीसी ड्रिवन क्या होता है, ये बिल्कुल वीडियो ड्रिवन ही होते हैं, मगर डीसी ड्रिवन के अंदर क्या होता है, आपके ऑटो आयरस की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इस दफ़ा कैमरे के अंदर मौजूद होती है बजाय इसके कि वो लेंस में मौजूद हो, ठीक है। वो ये भी आपको पता चल गया। नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका डीसी ड्रिवन है ना, इसके अंदर मोटर होती है और आयरस का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अच्छा, डीसी ड्रिवन के अंदर एक और बुराई ये है कि इसका कनेक्टर होता है स्पेशल टाइप का, जो कि कैमरे के अंदर होना मौजूद होना चाहिए, वरना अदरवाइज आप ये डीसी ड्रिवन को यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली ये वाइस वर्सा भी है कि अगर आपके पास डीसी ड्रिवन, अगर आपके पास कनेक्टर ही मौजूद नहीं है और आपके पास डीसी ड्रिवन है तो भी आप यूज़ नहीं कर सकते, और अगर आपके पास डीसी ड्रिवन नहीं कनेक्टर मौजूद है तब भी आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। कोई हमें कैसे पता चलेगा कि ये डीसी ड्रिवन है या वीडियो ड्रिवन है? याद रखिएगा, जब कभी भी डीसी ड्रिवन होगा ना, तो फिर आपके कैमरे के अंदर दो फंक्शंस मौजूद होंगे। वो दो फंक्शंस क्या होंगे? वो एएलसी होगा और लेवल एडजस्टमेंट होगा। एएलसी क्या होता है? ऑटोमेटिक लाइट कंपनसेशन और लेवल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो है ना, ये दोनों टॉपिक मैं इसको यहीं तक ही रखता हूँ। ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करूँगा। मेरे ख्याल है लेक्चर की लेंथ कुछ ज़्यादा भी हो गई है, ठीक है। ये देखें जी, इंट्रोडक्शन देना था मैंने बस इसका, क्या कहते हैं, एएलसी और लेवल एडजस्टमेंट का, मगर कोई मसले की बात नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लूँगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली आप क्वेश्चंस करें, ये आपका राइट है, ठीक है। ये देखें जी, थैंक यू आ गई, शुक्र है, ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। ठीक है जी, उर्दू आईटी एकेडमी पे आप आएँ, आप जो है ना कमेंट्स दें, आप लेक्चर सुने, आप उसके बाद क्वेश्चंस पूछें, प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप लोग सवाल पूछें, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने नेक्स्ट लेक्चर, आप ये समझ लें कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं लेक्चर्स जो है ना, मैं सिर्फ मुझे लेक्चर्स बनाने हैं, मुझे मतलब एक लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी कर दूँगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।